रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने वर्ष 2013-14 का रेल बजट किया पेश। कहा, 12वीं योजना में रेलवे के लिए 5.19 लाख करोड़ किए गए निर्धारित। 11वीं योजना में विद्युतीकरण और नई लाइनों के निर्धारित लक्ष्य को रेलवे ने किया पूरा। 12वीं योजना में 10,797 क्रॉसिंग को हटाने का लक्ष्य। महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रेलवे सुरक्षा बल में 10% भर्तियां महिलाओं के लिए। रेल मंत्री ने बताया कि गार्ड के कोच, पेंट्री कार और एसी कोचों में अग्निशमन यंत्र। अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना का प्रस्ताव। कहा, चुनिंदा ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई सुविधा। पवन कुमार बंसल ने बताया कि इस साल का परिचालन घाटा 24,600 करोड़ रुपए रहने का अनुमान। कहा, इलाहाबाद कुंभ हादसे से हैं स्तब्ध। भविष्य में ऐसे हालात से निपटने के लिए और सावधानी बरती जाएगी और बनाई जाएगी आपात योजनाएं। रेल मंत्री ने टिकट बुकिंग और रेल कर्मचारियों की पेंशन सहित अन्य सेवाओं के लिए भारतीय रेल आधार स्कीम का इस्तेमाल करने की घोषणा। रेल मंत्री ने कहा, अरुणाचल प्रदेश इस साल रेल संपर्क से जुड़ेगा। मणिपुर को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेजी पर। रेल मंत्री ने रेलवे वेबसाइट पर जाम से निजात के लिए मार्च तक आधुनिकतम ई टिकटिंग प्रणाली की घोषणा। वैष्णो देवी यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट के साथ दर्शन पर्ची भी होगी उपलब्ध। जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन के साथ बस टिकट की भी सुविधा। रेल मंत्री ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रेलवे पर अनुसंधान के लिए 5 फेलोशिप। नामी खेल पुरस्कारों से सम्मानित लोगों को मुफ्त यात्रा पास। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पास के नवीकरण की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल। सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी सहित 11 व्यक्तियों और 4 कंपनियों के नाम शामिल। पीएसएलवी ने भारत फ्रांस के सहयोग से निर्मित सरल उपग्रह और 6 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किया स्थापित। पीएसएलवी के प्रक्षेपण के वक्त मौजूद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी सफलता पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने तय वक्त के अंदर निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश का पालन न करने पर सहारा समूह को आड़े हाथों लिया। कंपनी को और वक्त देने से किया इंकार। सेंसेक्स आज 75 अंक के नुकसान के साथ 19,256 पर खुला। निफ्टी भी 29 अंक के नुकसान के साथ 5,826 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे की गिरावट के साथ 54.05 रुपए प्रति डॉलर पर कमजोर खुला। कल के कारोबार में रुपया 31 पैसे की बढ़त के साथ 53.86 रुपए प्रति डॉलर पर हुआ था बंद। चेन्नई टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। जीत के लिए मिले 50 रन के लक्ष्य को मेजबान टीम ने 2 विकेट खोकर आसानी से किया हासिल। कप्तान धोनी बने मैन ऑफ द मैच।